कर रहे हैं, वहीं जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। देखिए, छठवें चरण का मतदान आज हो रहा है। सातवें चरण के लिए सारे राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक दिए हैं। यहाँ भी लगातार प्रियंका जी का दौरा हो रहा है, कांग्रेसी नेताओं का दौरा हो रहा है, हम लोग भी लगातार जा रहे हैं। सबसे ज्यादा युवा आकर्षित हो रहे हैं, महिला आकर्षित हो रहे हैं कांग्रेस की तरफ, और ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से उसका रिजल्ट कुछ और आने वाला है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, वो उस दिशा में संकेत कर रहा है। 50 से अधिक सभाएं पहले आप कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या अंतर नजर आता है आपको? देखिए, लोगों की सोच तो उसी प्रकार से होती है। अलग अलग प्रदेशों के, एक ही प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माइंड सेट होता है, उसकी समस्याएं अलग होती है, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक उनकी डिमांड अलग होती है। तो यहाँ भी अलग अलग, चाहे आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार की राजनीति, या नोएडा साइड चल देंगे तो उसकी अलग राजनीति, जो जाट एरिया है उसमें अलग है। यहाँ आ जाएंगे तो ये जो पूर्वांचल है, इसमें बहुत सारे भाषा के भी और सांस्कृतिक रूप से आप देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग ही है। लेकिन एक चीज जो दिखाई दे रहा है वो छुट्टा जानवर, वो पूरे उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसान धान उत्पादक हो, चाहे वो गेहूं उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे आलू उत्पादक हो, सब लोग परेशान हैं। और तीसरी बात यह है कि युवाओं में एक कॉमन बात है कि सरकार है रोजगार नहीं दे सकती, ये बात तो आम नौजवानों में ये बात स्टेब्लिश हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोच, छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ के लोगों की क्या सोच? लोग गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। समस्याओं का समाधान भी छत्तीसगढ़ मॉडल में ही है। बिल्कुल, के देखिए, हम चाहे राजीव गांधी न्याय योजना की बात करें, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करें, चाहे रोजगार देने की बात करें, वो सारी चीजें यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रही है। देखिए, यहाँ तक के मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कर रही थी, समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर राजनीति कर रही, कांग्रेस है वो आम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में कूदी। और आज प्रधानमंत्री तक को गोधन न्याय योजना के बारे में बात करना पड़ रहा है, उनको भी विकास की बात करना पड़ रहा है, अब वो भूल गए सारी बातें। तो कांग्रेस के एजेंडा पे ही सब लोग आ गए हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में वाराणसी यूपी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो इस पर और भी ज्यादा जानकारियों के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड आरके गांधी जी विस्तृत चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। वाराणसी में मौजूद है और वाराणसी में जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यहाँ पे धुआंधार प्रचार प्रसार है, तो अगर हम समझें यहाँ पे जिस तरह से जो बात खास तौर पे जो भूपेश बघेल जी ने कही कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, सपा जाति की राजनीति कर रही है और जनता की जो राजनीति वो कांग्रेस कर रही है, तो निश्चित तौर पर जनता की जो राजनीति करेगा, जनता के हित की बात करेगा, वही जनता के साथ नजर आएगा। देखिए, कल की सभा आप लोगों ने देखी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 2 महीने से यहाँ पर है। एक बात बड़ी स्पष्ट है, जो भी राजनीति धर्म के नाम पर होती है, जाति के नाम पर होती है, वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको वोट आपने जाति और धर्म संप्रदाय के नाम पर दिया है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए बार बार लोगों के बीच में जा रही है कि जनप्रतिनिधि वही आपका काम करेगा जो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा और जनता के मुद्दों पर जीत कर जाएगा। तो इस चुनाव का नैरेटिव जो है वो हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक तरह से देखा जाए जो पूर्वांचल का ये क्षेत्र है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और पूर्वांचल के संस्कृति को लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अहम बातें कही, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर हैं तो उनका जो प्रचार प्रसार हो रहा है वहाँ पे जनता का भी जुड़ाव होता नजर आ रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ और
यूपी, हमारी सीमा आपस में लगी हुई है, तो एक दूसरे की भाषा बोली, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन सब एक जैसा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता इन क्षेत्रों में बढ़ी है, उनकी स्वीकारता बढ़ी है, और मैंने देखा, आपने भी देखा है कि जिन सभाओं को संबोधित करते हैं वहां पर निरंतर लोग उनसे आकृष्ट होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की जो भूमिका रहेगी वो निर्णायक रहने वाली है। और इसमें एक बात और कि बीजेपी के पास में समस्या का निदान नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मॉडल में निदान है। जिस तरह से छूटे हुए मजदूर की बातें लगातार जो बातें आ रही थी, उसका निदान छत्तीसगढ़ के वो विकास मॉडल में ही है। देखिए, बीजेपी जहां कहीं भी सत्ता में है वो सिर्फ समस्याएं पैदा करने के लिए जानी जाती है, चाहे मोदी जी हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे जिन राज्य भाजपा और है। कांग्रेस सिर्फ लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए जानी जाती है, उनका जीवन कैसे खुशहाल उसके लिए जानी जाती है। एक गुजरात का फर्जी मॉडल जो मोदी जी लेके आए थे, अब वो 7 साल बाद वो ढोल फट चुका है, मोदी जी बेनकाब हो चुके हैं। अब हर जगह छत्तीसगढ़ मॉडल और भूपेश बघेल सरकार का जो मॉडल, इसकी स्वीकारता बढ़ रही है। जिस तरीके से यहाँ जानवर से लोग परेशान है, आप हमारे यहाँ देखिए गोधन न्याय योजना है, हम गौ माता की सेवा भी करते हैं, 2 रुपए किलो गोबर खरीदते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, किसानों को फायदा होता है। तो हमारा जो मॉडल है वो समावेशी मॉडल है, उसके सबके लिए खुशहाली है, सबके लिए जगह है। गौमूत्र भी खरीदने जा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, और जो विषय के विशेषज्ञ हैं उस पर विचार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अच्छी खबर सामने आएगी। तो हमारे साथ में सुशील आनंद शुक्ला जी भी हैं, चेयरपर्सन हैं कांग्रेस मीडिया सेल छत्तीसगढ़ के। अगर समझा जाए, लगातार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का हो रहा है, और इस बीच में जो बातें उन्होंने कही कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, यहाँ पे सपा जाति की राजनीति कर रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे जनता के सब जन की राजनीति कर रही है। निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जी जो आज एजेंडा जनता के सामने ले जा रहे हैं, जनता भी सोचने को विवश हुई है। एक तरफ धर्म की बात की जा रही है, सांप्रदायिकता की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जाति की बात की जा रही है। आज इस प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या दीगर 4 राज्य हो, वहाँ पे जनहित की बातों कौन उठा रहा है, जन सरोकारों की बातों कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी उठा रही है। अब देखिए, भूपेश बघेल जी लगातार यहाँ किसानों के समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी यहाँ चरवाहों को गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा अपने आप को विरोधी बोलता हो प्रधानमंत्री, आके कांग्रेस की योजना की तारीफ कर रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता में गोधन न्याय योजना का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि 10 मार्च के बाद मैं एक ऐसी योजना लाऊंगा जिससे गायों का पुनर्वास किया जाएगा और गोबर के माध्यम से हम धन कमाने की योजना बनाएंगे। ये बड़ी बात है कि कहीं न कहीं विरोधी भी जो एजेंडा आज कांग्रेस तय कर रही है, और देश हित में आवश्यक है कि अब हम सब इस 21वीं सदी के बाद भी यदि हम जाति धर्म संप्रदाय में लगे रहेंगे तो क्या होगा। छूटे हुए जो मवेशी जो घूमते थे, आवारा पशु की जो बात हो रही थी, जो एक राजनीति मुद्दा बन गई है, मुझे लगता है कि जिसके समाधान की बात 10 मार्च के बाद बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो बहुत पहले छत्तीसगढ़ में इसे लागू कर रखा। निश्चित तौर पर गोधन न्याय योजना, और आपको बता दूं मैं कि कल एक केंद्रीय दल आया, प्रधानमंत्री ने यहाँ तारीफ किया, कल एक केंद्रीय दल छत्तीसगढ़ आया, उसने वहाँ छत्तीसगढ़ के गोठानों की तारीफ की, गोधन न्याय योजना की तारीफ की, और उसने कहा इस योजना को तो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को यहाँ पे सिर्फ लोगों को बदलाने का काम कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जो धर्म से धर्म को लड़ाने का काम कर रही, उसके बदले कांग्रेस ने एक एजेंडा तय किया कि विकास का एजेंडा, रोजगार का एजेंडा, ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति का एजेंडा, किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिलने का एजेंडा, और आज जनता इसको देख के सोचने को विवश हो रही है कि कौन पार्टी इस देश के लिए ज्यादा उपयोगी है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर आज इस चुनाव में छत्तीसगढ़ विश्वसनीय छत्तीसगढ़ के मॉडल की चर्चा हो रही है, आज एक विश्वसनीय भूपेश बघेल की चर्चा हो रही है, आज उत्तर प्रदेश की जनता भूपेश बघेल को सुनने के लिए जिस तादाद में आ रही, कल हमने देखा जौनपुर की सभा में विशाल लोग मिले हुए थे, आज भी जहाँ जहाँ उनकी सभाएं होने वाली वहाँ जो खबरें आ रही कि लगातार लोग आ रहे हैं भूपेश बघेल को सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसा लगता है कि ऐसा मुख्यमंत्री भी हो सकता है कि जो जब पूरे देश का किसान आंदोलित है अपने मूल्य के लिए, तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कैसे अपने किसानों को समर्थन मूल्य से ज़्यादा कैसे दे रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का, मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है, मैंने देखा यहाँ पे 1200-1100 रुपये में धान बिकता है, छत्तीसगढ़ का मैं निवासी हूँ, हमारे यहाँ 2500 रुपये में भूपेश बघेल धान खरीद रहे हैं। आप देखिए वहाँ पे 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के जो वर्मी कंपोस्ट बनाया गया, उसके कारण आज पूरे देश में जब खाद की उर्वरक की कमी हुई तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, हमारे किसानों का
और ज्यादा उपज बढ़ी क्योंकि उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया। ये है भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल, जिससे जिसको आज दुनिया अप्रिशिएट कर रही है और देश जिसकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। और जिस तरह से भूपेश बघेल ने कांग्रेस को एक सूत में पिरोने का काम किया, क्योंकि एक मन से मैंने सुना उनकी तुलना लौह पुरुष से सरदार वल्लभ भाई पटेल से हुई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से एकता का सूत्र दिया उस तरह से कहीं आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को एकजुट करना, कांग्रेस में जान फूकने का काम भूपेश बघेल ने किया? निश्चित तौर पर भूपेश बघेल आज इस देश की जनता के सामने कांग्रेस के विश्वसनीय नेता के रूप में सामने आए हैं, राहुल गांधी के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में सामने आए हैं, प्रियंका जी सोनिया जी के विश्वसनीय सहयोगी के रूप में सामने आए हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक आशा के रूप में सामने आए हैं। असीम संभावनाओं से भरा व्यक्तित्व, जनता माटी से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, किसानों की समस्याओं को समझने वाला व्यक्तित्व, युवाओं की समस्याओं को समझने वाला व्यक्तित्व, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने वाला व्यक्तित्व, एक ऐसा विशाल और विराट व्यक्तित्व है भूपेश बघेल का, जो इस देश में जो जैसा कि बोला माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कि उनको देख के सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है, निश्चित तौर पे जो प्रमोद तिवारी जी ने बोला था, बहुत बड़े नेता हैं प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के, मैं उनकी बात का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। कुछ अहम बातें जो आपको नजर आती है इस चुनाव में जो आप रखना चाहें? देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में ओवैसी आ रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में मोदी जी आ रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इस चुनाव में समाजवादी पार्टी आ रही है, यादवों की बात कर रही है। आपको दिखता है कि इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ देश की बात कौन करना चाह रहा है, इस चुनाव में हमारी आपकी बात कौन कर रहा है, इस चुनाव में युवाओं की बात कौन कर रहा है, चाहे मुस्लिम हुआ हो चाहे हिंदू हुआ हो, रोजगार की बात कौन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस चुनाव में किसानों की बात, उत्तर प्रदेश की आबादी का 30% जो किसान है वो मुस्लिम है, तो किसानों की बात कौन कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी मतलब जो एक नारा था कि जात पे ना पात पे, उस नारे को कांग्रेस पार्टी साकार कर रही है। चुनाव जीतना, चुनाव में कितनी सीटें आएंगी, कितना मत मिलेगा, ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन चुनाव को जन सरोकारों के मुद्दों पे ले जाके लड़ना और चुनाव में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना, ये महत्वपूर्ण है और यह देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत बेहतरीन आपने बात की, जन सरकारों को आगे लेकर चलना, उस पर चुनाव लड़ना। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सुशीलानंद शुक्ला जी का। धनंजय जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वरिष्ठ प्रवक्ता। और धनंजय जी, लगातार आप यूपी के तमाम मिजाज को समझ रहे हैं और इस मिजाज में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो विकास मॉडल है उसको लोगों ने समझा है, जाना है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से यूपी के हालात अभी हैं, किसानों को उनकी उपज की कीमत नहीं मिल पा रहा है, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, पशुधन यहाँ पे छुट्टा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं के हक अधिकार की बात है, जो पूरी तरीके से 5 साल से योगी जी की सरकार है जो नाकाम हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ मॉडल मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के मॉडल की चलकर उत्तर प्रदेश में हो रही है। कैसे वहाँ किसानों को धान की 2500 रुपये मिल रहा है, गोधन योजना के माध्यम से गौ सेवा की जा रही है, पशुपालकों की सेवा की जा रही है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश में उस मॉडल की चर्चा हो रही है। और दुर्भाग्य की बात आप देखेंगे, जो 5 साल से जिनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है वो जनता को ये बताने की स्थिति में नहीं है कि 5 साल में उन्होंने क्या किया है। सिर्फ धर्म से धर्म के खिलाफ लड़ाकर, जात के साथ जात को लड़ाकर, विनष्टता फैलाकर, नफरत फैलाकर वो राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, ये समझ में आता है। ये राजनीति नहीं चलेगी जो मेरा देखिए, पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कभी युवाओं के रोजगार के विषय में बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम से राजनीति करती है वो गौ सेवा के लिए कोई आज तक काम नहीं किया, चाहे केंद्र में उनकी सरकार है या राज्य में उनकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कभी देश की उन्नति और विकास की बात नहीं करती। आप देखिए, 7 साल में अगर आप देश में देखेंगे, कहीं नरेंद्र मोदी जी ने भिलाई स्टील प्लांट कहूंगा या कोई बड़ा ऐसे प्लांट का शिलान्यास नहीं किया है, सिर्फ सरकारी कंपनियों को बेचने के अलावा। स्वाभाविक सी बात है, ना तो उनके पास युवाओं के लिए रोजगार के विषय में बात है, ना तो उनके पास देश की तरक्की के बारे में। उनको अगर कोई चीज समझ में आती है कि संपत्तियों को बेच दिया जाए और लोगों को लड़ाकर अपनी विफलताएं को छुपाया जाए, धर्म से धर्म लड़ाकर राजनीति किया जाए, ये अब देश बर्दाश्त नहीं कर रहा, देश चीज को नहीं चाहता है। मुझे लगता है इस बीच में एक मॉडल ऐसा भी आया जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका हमने विकास का मॉडल जो छत्तीसगढ़ देता नजर आ रहा है। निश्चित तौर मैंने कहा ना, देखिए अगर हम कृषि क्षेत्र को छत्तीसगढ़ मॉडल की हम चर्चा करते हैं, तो कृषि जो मैं समझता हूँ देश में एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन, मैं इसको मानता हूँ कि कृषि जो है, जैसे खेती और किसानी की हम बात करते हैं, उसमें सिर्फ धान पैदा करने वाले किसान नहीं आते, उसमें गन्ना लगाने वाले किसान आते हैं, उसमें मक्का लगाने वाले किसान आते हैं, उसमें सब्जी लगाने वाले किसान आते हैं,
और कोई अगर वृक्षारोपण लगा रहा है वो भी तो किसान है ना। इन सभी किसानों को अगर डेवलपमेंट की कोई बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार इस योजना में बात कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार इन लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, स्वाभाविक सी बात है। गोधन योजना की बात करूंगा, कोई कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि 2 रुपए में गोबर खरीद कर कैसे किसानों के लागत मूल्य को कम किया जाए, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर गौ माता की सेवा किया जाए, पशुपालकों की सेवा, उससे गोबर बिनने वालों को लाभ दिया जाए। इतनी बड़ी सोच देश में किसी और के पास नहीं, वो सोच है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पास में। श्रमिकों के लिए आपने आज तक योजना ही सुना होगा, आप योजना सुने होंगे कि बड़े बड़े चीजें हमारे यहाँ ग्रामीण भूमि कृषिहीन मजदूर, मतलब जो गांव में जो मजदूर है जो कृषि कार्यों में सहयोग करते हैं, उनके पास खेती किसानी की कोई जमीन नहीं है, उसको हमारे सरकार के द्वारा लाभ दिया जा रहा है, 6,000 रुपये साल का उनको दिया जा रहा है। इस सोच माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर, और उत्तर प्रदेश की जनता भी इन चीज़ों को अस्वीकार कर रही है, और कांग्रेस की जो एजेंडा है, जो देश को जोड़ने की एजेंडा है, देश के विकास की एजेंडा है, युवाओं को रोजगार की एजेंडा है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता सराह रही है। और मैंने कहा ना, मोदी जी की 7 साल के कार्यकाल और योगी जी की 5 साल के कार्यकाल, ये दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की जनता को एक अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। और जिस गुजरात मॉडल की ढिंढोरा इनके द्वारा पीटा जाता है, उस गुजरात मॉडल के विषय में श्री नरेंद्र मोदी जी 2 लाइन नहीं बोल पाते हैं, योगी जी तो दूर की बात है। निश्चित तौर पर यहाँ पे जिस तरह से यूपी का चुनाव काफी अहम मोड़ पे पहुंच चुका है, और जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की बात करें, जिसको लेकर आज उन्होंने वाराणसी में मीडिया से चर्चा भी, किस तरह से इस मॉडल के साथ में वो जनता के बीच में है, तो तमाम पहलुओं को हमने समझा। और अभी जिस तरह से 7 तारीख को जो आखिरी चरण है, उसके बाद में 10 को जब वोटिंग होगी, तो यहाँ पे कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में उभरती है और बाकी पार्टियों की स्थिति रहती है, इस पे सबकी नजर बनी रहेगी। बैक टू स्टूडियो। युवाओं में किसान